ये बात तो किसी से छुपी नहीं होगी कि पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट बहुत ही एक्टिव नजर आई है, जहां उन्होंने कोचिंग सेंटर डेथ केस का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्टेट्स को पावर भी दिए हैं कि वे सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन कर सकते हैं। और साथ ही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा बार बार उठाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जाँच में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की मांग वाली प्ली को भी डिसमिस कर दिया है। जहाँ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से खुश हैं, वहीं कुछ लोग काफी नाराज दिखे हैं, और वो भी स्पेशली सीजेआई वाई चंद्रचूड़ से, जिन पे अब ये इल्जाम लग रहा है कि वे एससी एसटी क्लासेस से नफरत करते हैं। अब ये इल्जाम कितने सच है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, पर मामले इतने संगीन हैं कि अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मार देने की धमकी भी मिली है। इस डेथ थ्रेट की बात हम करेंगे ही, पर इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग प्लीज की बात कर लेते हैं जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आई है। अब ये प्लीज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की तरह ही एक इम्पोर्टेंट मैटर से डील करते हैं, जिसने इलेक्शन पीरियड में काफी सुर्खियां बटोरी हुई थी। और शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात ईवीएम से जुड़ी कंट्रोवर्सी की कर रहे हैं। इससे जुड़ी कौन सी प्लीज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है और क्यों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी शॉक दिखे हैं, आगे देखते हैं। तो पहले बात करते हैं उस प्ली की जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की मांग की गई है। जी हां, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने एक पिटीशन आई, विच वॉज सीकिंग डायरेक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ एनी बॉडी पार्ट एज एन इलेक्शन सिंबल बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि कौन से पार्टी के इलेक्शन सिंबल में बॉडी पार्ट आता है, तो दिमाग में सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ का चिन्ह आएगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बेंच को प्राइमर फसाई दिखा कि ये प्ली सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शॉक होते हुए कहा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पिटीशन इज दिस, यू कैन नॉट हैव एन आई, यू कैन नॉट हैव अ नोज, यू कैन नॉट हैव अ हैंड, द पर्पस ऑफ दिस इज टू गेट रिड ऑफ द हैंड सिंबल ओनली, डिसमिस्ड। अब जहां ईसीआई से जुड़ी ये प्ली, वही ईवीएम के मामले में भी ईसीआई के खिलाफ एक दूसरी प्ली ने वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें अब ईवीएम मैनिपुलेशन में एक हाई पावर्ड कमेटी बैठाकर जांच करने की मांग की गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस प्ली में एक जांच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी मांगी गई है, उन केसेस में जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फास्ट एक्शन नहीं लिया है और काम टालने की कोशिश की है। जब ये केस जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुवन की बेंच के सामने लिस्ट हुआ, तो वे सोचने पर मजबूर हो गए कि ये मसला किसी और बेंच के पास जाए तो सही रहेगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच की बात कर रही थी, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही ईवीएम से जुड़े केस में अपना फैसला सुनाया था और 100% क्रॉस वेरिफिकेशन से बना कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर स्टेट किया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी डायरेक्ट द रजिस्ट्री दैट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता, वो अर्लियर हर्ड द मैटर एंड गेव द जजमेंट सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जस्टिस सूर्यकांत ने एड भी किया कि अगर वे पिटिशनर से अग्री भी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने इस मामले में ऑलरेडी जजमेंट पास किया है और उनके पास ही ये मामला जाए तो सही रहेगा। And stated, the other bench has already examined these issues and have passed the judgment merely because the matter is coming before us. It is not necessary, we should not intervene. We are not saying anything to you. Even if we agree with you, one bench has already given time and passed judgment. We are saying that it should be placed before that bench only. आपको बता दें कि ये public interest litigation advocate महमूद प्रचा द्वारा file हुआ था, जिन्होंने allegations लगाए हैं कि Election Commission of India acted arbitrarily, failing to implement necessary safeguards essential for ensuring free and fair elections, which according to the petitioner could have serious implications for future elections in India. सिर्फ यही नहीं, बल्कि interesting बात तो ये भी है कि एडवोकेट प्रचा लोकसभा के एक कैंडिडेट भी थे फ्रॉम द रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश। द पिटिशन अक्यूजेस द ईसीआई ऑफ वायलेटिंग अश्योरेंसेस प्रोवाइडेड टू द सुप्रीम कोर्ट प्रायर टू द इलेक्शंस। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिटिशनर ने इस केस में 3 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को खत्म करने की भी मांग की थी। इसके अलावा और जो प्रेयर्स पिटिशनर द्वारा रिक्वेस्ट की गई है आर एस फॉलोज, पास अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सच अथॉरिटी ऑफिशियल और पर्सन एज दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट इन कंसिडरेशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ सच हाई पावर्ड कमिटी एंड मॉनिटर द प्रिपेयरनेस एंड कंडक्ट ऑफ फ्यूचर इलेक्शंस कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इज प्रपोज्ड बाय कॉलिंग फॉर पीरियोडिक अफिडेविट्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
टू बी फाइल्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड डायरेक्ट दैट नो इलेक्शंस मे बी कंडक्टेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स विदाउट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड फ्रेम अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस टू डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर एश्योरिंग दैट द मैनुअल्स एप्लीकेबल लॉज प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस एक्सेट्रा आर फॉलोड डिलिजेंटली एंड अपॉइंटेड ओम्बड्समैन कमिटी टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द पावर टू होल्ड मेंबर्स ऑफ द ईसीआई अकाउंटेबल फॉर एनी डिविएशन। अब जहां हमने इस मामले में देखा है कि केस सीजेआई डीवाई चंद्रचूर के पास भेजा गया है लिस्ट करने के लिए, वही बॉडी पार्ट्स को रिसेंबल करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स पर पिटिशनर ने ये भी कहा था कि उन्होंने अब तक कई कंप्लेंट्स फाइल की है और ईसीआई के इनएक्शन की वजह से उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा है। द प्ली फाइल थ्रू एडवोकेट ओम प्रकाश परिहार कॉल्ड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड वेदर ईसीआई कैन अलॉट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एज सिंबल्स एंड वेदर सच अलॉटमेंट वायलेट्स आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। और जिसके साथ ही प्ली में मेंशन था कि ऐसा करना ईसीआई के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सख्त खिलाफ है एंड दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्लियरली डिस्क्राइब्स द सेसेशन ऑफ इलेक्शन कैंपेन बिफोर 48 आवर्स ऑफ द पोलिंग एंड सेक्शन 130 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बैन्स एग्जिबिशन ऑफ द इलेक्शन सिंबल विद इन 100 मीटर्स पेरिफेरी ऑन पोलिंग डे एंड देयरफॉर सब सिंबल्स व्हिच रिसेंबल और इज आइडेंटिकल विद द ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन नॉट बी हिडन एंड कैन बी मिसयूज्ड बाय एग्जिबिशन ऑफ सच ह्यूमन बॉडी पार्ट। इस मामले में पिटिशनर की भी कुछ मांगे थी जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। इश्यू डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू रिमूव फ्रीज एंड कैंसिल सच इलेक्शन सिंबल व्हिच रिसेंबल्स लुक सिमिलर टू और इज आइडेंटिकल विद द ह्यूमन बॉडी पार्ट। इश्यू सच अदर अप्रोप्रिएट रिट और डायरेक्शन दैट मे बी डीम्ड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपने सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन की वजह से डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो बात ऐसी है कि एन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड इन बैतूल इन मध्य प्रदेश अगेंस्ट अ पर्सन फॉर अलेजेडली इशूइंग अ डेथ थ्रेट और सोशल मीडिया टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इन कनेक्शन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिजर्वेशन। इस लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू मेक सब क्लासिफिकेशंस विद इन द शेड्यूल कास्ट विच फॉर्म अ सोशली हेटरोजीनियस क्लास फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ कास्ट दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली मोर बैकवर्ड। और साथ ही ये भी डिस्कस हो रहा था कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर के प्रोविजंस होने चाहिए। अब जिन लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया है वे सुप्रीम कोर्ट बेंच के खिलाफ ही दिखे हैं और इसलिए भी डेथ थ्रेट्स भी सामने आई है। इस मामले में बैतूलगंज पुलिस स्टेशन इंचार्ज रविकांत दहेरिया ने स्टेट किया है कि द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एफर्ट्स आर ऑन टू नैप द अक्यूज्ड। पंकज अतुलकर नाम के एक युवक ने एक हिंदी फेसबुक पोस्ट से सीजीआई को धमकी दी थी और कहा था कि ही वुड किल द सीजीआई फॉर गिविंग अ डिसीजन टू इंस्लेव द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल व्हिच हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि इन सारे केसेस में अब क्या फैसला लिया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।